डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत आधारित होनी चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार को यह गलती सुधारने में आधी सदी लग गई। और भिंड में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करते दिखाई दिए छात्र, जहां बीएससी के और बीए की परीक्षा चल रही थी और छात्र नकल फरमा रहे थे, यहां अपने एग्जाम में चीटिंग कर रहे थे, झुंड बनाकर ये नकल चल रही थी धड़ल्ले से। केंद्र अधीक्षक पर्यवेक्षकों की निगरानी में नकल की गई। एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार को कार्रवाई करते जरूर देखा गया, लेकिन चार परीक्षार्थियों के पास से फोन भी बरामद हुआ है और सभी नकलचियों पर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं। और इंदौर में रेप का आरोपी बीजेपी